हेलो एवरीवन, वेलकम टू इक्कीस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी की लिट्टी। इसे सूजी की कचौड़ी के नाम से भी बुलाया जाता है। सर्दियों के मौसम में अगर इसे सुबह के नाश्ते में बनाया जाए तो ये खाने में काफ़ी मज़ेदार लगता है। तो आइए अब हम इसे बनाने की प्रोसेस देखते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 कप पानी लेंगे और इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे। आप देख सकते हैं कि पानी अच्छे से बॉयल हो रहा है। इसमें अब हम 1.5 कप सूजी डालेंगे। हमें पानी में सूजी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे मिक्स करते जाना है। हमें इसे अच्छे से चलाते रहना है और हमें ध्यान रखना है कि सूजी ड्राई ना हो और इसमें कोई भी लम्स ना बने। हमें इसे तब तक चलाना है जब सूजी सारे पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। जब सूजी इस तरह के टेक्सचर में आ जाए तो हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे 15 मिनट तक ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम इसके लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। हम एक गर्म पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच सरसों, 1/2 चम्मच जीरा, 1 लाल मिर्च और बिल्कुल थोड़ा सा हींग। सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ग्रेटेड अदरक। इन सबको हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कटोरी फ्रेश मटर। मसालों में हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढककर 2 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम लीड को हटाएंगे। 1 मिनट तक इसे हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे। अब हम 1 मटर के दाने को निकाल कर इसे चेक करेंगे। मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और ये अच्छे से प्रेस भी हो रहा है। अब हम इसमें 4 से 5 बॉइल्ड मैश किए हुए आलू डालेंगे। आलू को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं आलू अच्छे से ब्राउन हो चुका है। इसमें हम 1/4 चम्मच गोलकी पाउडर, 1/2 चम्मच सब्जी मसाला, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। सारे मसालों को हम आलू में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सबसे लास्ट में हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। लिट्टी बनाने के लिए हमारा स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम एक बाउल में सूजी लेंगे जो कि अब अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा अजवाइन और कलौंजी, नमक स्वादानुसार। अब हम हाथों में हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह से गूंथेंगे। इसे हमें हाथों से गूंथते हुए बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट करना है। हमारा डो ऑलमोस्ट बन चुका है। सूजी गूंथने के बाद इस तरह के टेक्सचर का होना चाहिए। हम हाथों में थोड़ा सा डो लेंगे और इसे स्मूथ करते हुए फ्लैट करेंगे। अब हम इसमें स्टफिंग डालने के लिए स्पेस बनाएंगे। इसमें हम 2 चम्मच आलू और मटर की स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग को हम अंदर की ओर प्रेस करेंगे और ऊपर से इसे सील करेंगे और ये हमारी लिट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम बाकी सारी लिट्टी को भी स्टफ़ कर लेंगे। आप चाहें तो इसे स्टफ़ करने के बाद डिफरेंट शेप भी दे सकते हैं। अब हम लिट्टी को गर्म तेल में डालकर इसे डीप फ्राई करेंगे। इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम में लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। लिट्टी अच्छे से ब्राउन हो चुका है, इसे अब हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। गर्मा गर्म सूजी की लिट्टी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सूजी की लिट्टी को हम सॉस, हरी चटनी या चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। इस लिट्टी की सबसे खास बात यह है कि ये तेल बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता है और खाने में बहुत लाइट होता है। ये खाने में इतना टेस्टी होता है कि अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो दोबारा ज़रूर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपीज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।